नारनौंद के राजकीय कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरार्स की इकाई ने नारनौंद उपमंडल कार्यालय के सामने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। कॉलेज लेक्चरार नेहा का कहना है कि हम अपनी सैलरी फिक्स करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमें बेसिक सैलरी भी नहीं दी जा रही, यहाँ तक हमारा वेतन मिलने में कई महीने लग जाते हैं। सरकार ने उस स्लोगन पर वार किया, केंद्र सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हम सब बेटियां अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार ने आज तक हमसे कोई बात नहीं की है, हमारे धरने पर बैठने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को जल्द ही ना माना गया तो हम अनशन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अधिकारियों से और सरकार से परेशान होकर आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, और सरकार अगर इन साथियों को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार है, जबकि खुद चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री इनको इस बात का वायदा कर चुके हैं कि आपकी मिनिमम 25,000 रुपये आपका पे स्केल कर दिया गया है, लेकिन आज तक जो कोर्ट के फैसले के बावजूद आज तक उसके ऊपर अमल नहीं लाया गया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जितनी जल्द हो सके इन सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की मांग को पूरा किया जाए और इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इतने कॉलेज खुलवा रहे हैं और शिक्षकों की वो भर्ती नहीं ले रहे, और जो हैं उनको वो तनख्वाह नहीं दे रहे। मतलब सरकार बार बार ये क्यों कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कह रही है, जब हम सारी बेटियां सड़कों पर, इतना पढ़ लिखे भी हमारे घर वाले हमें भेजने को तैयार नहीं है, और दूसरे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, घर पे जो बेटियां बैठे अब उनको कोई नहीं पढ़ा रहा कि और सड़कों पर आ रहे, तुम्हें भी सड़कों पर जाना पड़ेगा। इतना अब हायर एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद हमारी हालत ये है, तो और बच्चों का क्या हालत हो गया आप बताइए। नारनौंद से जाट टीवी न्यूज़ के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।